गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पिछला वीडियो में देखे हुए थे कि 36 मिनट का जो लेक्चर था उसमें से बहुत सारा कुछ बताया गया था, लेकिन आपको हम बोले थे सिर्फ क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम कर सकता है वो बातें को ध्यान में रखना है ना। अब 36 मिनट का जो लेक्चर में बहुत सारे बात बताया गया था तो उसमें से मात्र आपको दो बातें याद रखना है जिस जो हम लोग को या आप लोग को जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो बातें को ध्यान में रखना है ना। 36 मिनट अगर वीडियो बना हुआ था तो उसमें से मात्र एक मिनट का बातें याद रखना है। अगर उसमें देखा जाए सिर्फ एक दो बातें याद रखना था, क्या साइन, टेन और कोसेक। फिर एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, साइन, टेन और कोसेक, इसको हम लोग फर्स्ट ग्रुप में डाले थे। ये पहला ग्रुप है और फर्स्ट ग्रुप साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। तो इस केसेस में जो यहाँ पे पीछे जो होता है, पीछे है ना, साइन के पीछे, टेन इनवर्स के पीछे, कोसेक इनवर्स जो भी हो है ना, इसके पीछे है ना बताया गया था कि माइनस 90 से लेकर प्लस 90 के बीच में ही बैठा होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? कहने का मतलब था कि साइन, टेन और कोसेक के केसेस में 90 से कम, 90 से क्या कम, 90 से ऊपर नहीं, 90 से कम यहाँ पे बैठता है। क्लियर है? दूसरा ग्रुप में बताया गया था है ना कि कोस, बाकी कौन बचा, साइन कोस है ना, इसके बाद टेन का इधर क्या हो जाएगा, कोट बच गया है, और कोसेक का क्या बच गया, सेक। अब इस केसेस में जो पीछे बैठता है, इन तीनों के केसेस में 0 से 180 के बीच में है ना इसके पीछे बैठ सकता है, 0 से 180 के बीच में इसके पीछे बैठ सकता है। मतलब आपको समझ में आ गया कि सर कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक ए फर्स्ट ग्रुप है और फर्स्ट ग्रुप में इस केसेस में 90 से कम पीछे बैठा हुआ रहना चाहिए। हाँ, ये तीनों के केस में 90 से कम है ना। और जो तीन का ग्रुप जो है, तीन का जो एक सेकेंड ग्रुप है, इसमें है ना 0 से 180 के बीच में बैठा हुआ रहना चाहिए, जैसे 120, 135 इस टाइप का। तो ये बातें आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत कुछ बताया गया था, लेकिन मात्र आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखना है क्वेश्चन का है ना बनाने का मकसद से। अब बात रहा सर कि चलो सर ये याद हो गया, ये आप पढ़ा दिए हुए थे, ये मेरे को है ना क्लियर याद है, अभी तक याद है, लेकिन सर अब हम लोग जिस टॉपिक का बात करेंगे और जिस टॉपिक को आगे लेके के बढ़ेंगे वो टॉपिक आपको पता है। उस टॉपिक में क्या था कि अगर साइन इनवर्स, साइन अगर 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है तो साइन बोलता है 90 से कम पीछे बैठा हुआ रहना चाहिए। तो 90 से कम पीछे बैठा रहना चाहिए मतलब क्या, 60 डिग्री सही है। तो आपको पता था कि साइन साइन डिलीट हो जाएगा, कैंसिल एक दूसरे का हो जाता है और ये 60 डिग्री आप आंसर देते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है ना, जो बातें आपको याद है उसके थ्रू, क्या साइन, टेन और कोसे के पीछे 90 से कम बैठेगा। तो 90 से कम बैठेगा तो 60 है, तो जब 60 बैठेगा तो आपको डायरेक्ट 60 उतार देना है। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया गया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है आपस में और ये एक्स यहाँ बैठ जाता है, मतलब पीछे वाला चीज़ उतर जाता है। कब? जब है ना साइन का अगर कैसेस होगा या टेन और कोसेस का है ना कोसेक का कैस होगा तो यहाँ पे 90 से कम वैल्यू होगा, तब ये चीज़ आपका उतर सकता है, मतलब एक्स उतर सकता है। लेकिन सर हम लोग इस टॉपिक का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक हम लोग को पता था। लेकिन सर जब एग्जाम में सर साइन 120 दे दे या 135 दे दे या 150 दे दे, इस केसेस में जब साइन बोलता है कि मेरा पीछे 90 से कम होगा, 90 से कम, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 60 डिग्री। क्लियर है? लेकिन सर साइन बोल केसेस में बताए थे कि 90 से कम बैठा हो रहा था, लेकिन 90 से ज़्यादा हो गया सर, इसका कंडीशन से ओवर है सर, अंडर नहीं बल्कि ओवर है, तब इस केसेस में क्या होगा। तो यही इसी टॉपिक को आगे लेके बढ़ना था, क्या जब साइन के पीछे 90 से ज़्यादा होगा तब ऐसा क्वेश्चन का हम लोग आंसर कैसे देंगे एग्जाम में। तो बहुत बच्चा क्या कर दिया, साइन साइन कैंसिल कर दिया, बोला कि फॉर्मूला बताए थे कि पीछे वाला उतर जाता है, 120 उतार के चल दिया, जो कि गलत है। तो हम लोग आज इसी है ना इस क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, इस टॉपिक का चर्चा करेंगे कि जब साइन का
कंडीशन से ओवर वैल्यू पीछे दिया रहेगा, मतलब साइन का कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो वैसा क्वेश्चन को फिर कैसे बनाना है। तो इस टॉपिक को हम लोग को आगे लेके बढ़ाना है। और अभी जितना भी क्वेश्चन होगा, अब क्या होगा कि अगर साइन के केसेस में 90 से कम होगा तो डायरेक्ट आंसर देते हैं, लेकिन 90 से ऊपर होगा तो उस केसेस में क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाएगा, बल्कि ये उतरेगा नहीं, बल्कि इसके लिए है ना ऐसा क्वेश्चन आज हम लोग को सीखना है, जो आपका एग्जाम्पल है ना, जो आपका एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कि अब आप लोग को पता है कि साइन टेन कॉस है, बोले थे कि पिछला वीडियो में जो 36 मिनट का वीडियो था उसमें से जितना सारा बात बताया गया था वो सारा बात को भूल जाओ, बल्कि दो बातें याद रखो, साइन टेन कॉस है के पीछे 90 से कम, कॉस कोट है ना सेक, इसमें 0 से 180 तक बैठ सकता है पीछे, 180 तक लिमिट है और इसका 90 तक लिमिट है, क्लियर है। तो सर आज हम लोग ये तो बात समझ गए, लेकिन अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक का बात कर रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है कि साइन टेन है ना कंडीशन से ओवर वैल्यू दे देगा, तब इस केसेस में 120 जब हम लोग उतार नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन बोलता है मेरा पीछे 90 से कम होगा तब उतारना है। तो जब 90 से ज़्यादा होगा तो क्वेश्चन में है ना एग्जाम में जब क्वेश्चन 90 से ज़्यादा अक्सर देता है, तो वैसा क्वेश्चन को फिर है ना जब उतार नहीं सकते हैं, है ना जब उतार नहीं सकते हैं डायरेक्ट, तो फिर वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम लोग है ना चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तीन एग्जाम्पल दिया गया अभी, फिर तीन एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, मतलब छह एग्जाम्पल करते करते आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। और हम एक बात बताते हैं कि जिस बंदा को बात पता है या याद है कि साइन टेन कॉस एक, फर्स्ट ग्रुप में आपको ट्रिक से बताया गया था कि ज़्यादा लेंदी नहीं किया गया है, कि फर्स्ट ग्रुप में साइन टेन कॉस एक के पीछे बस ये दिमाग में बैठा लो कि 90 के से कम बैठता है, और सेकंड ग्रुप में है ना कोस कोट और सेक के पीछे 180 तक बैठ सकता है या है ना 180 से कम बैठता है। चलो इतना याद रखना है। अब बात रहा सर, अगर ये बातें याद है तो आप क्वेश्चन तुरंत तुरंत बना दोगे, अगर ये बातें याद नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में जो परेशान करता है ना जो परेशान करता है यही सब क्वेश्चन होता है, यही सब क्वेश्चन जिसके चलते बोल दिया जाता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टफ है। तो इसीलिए अगर आज ये आप सीख गए तीनों में से, अगर एक भी सीख जाते हैं तो आपसे है ना दूसरा तीसरा क्वेश्चन खुद से एग्जाम्पल बनने लगेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें। अब बात रहा कि सर अगर बनाने का अगर तरीका हम बात करें तो बहुत बंदा ऐसे बना सकता है जो है ना टीचर लोग बताते हैं या तो फिर अपना है ना शॉर्ट में बता देता है ना जिसको समझ में नहीं आता है, कि बहुत को ऐसे कर देता है कि पाई प्लस पाई बाई थ्री इस टाइप का। तो बोल दिया कि तीन है ना एलसीएम ले लोगे, तीन पाई और पाई कितना हो जाएगा है ना ये आ जाएगा 4π/3। अब यहाँ से वो बनाना स्टार्ट कर दिया, बोल दिया साइन इनवर्स पाई पे नो चेंज, साइन ए थीटा के जगह पाई बाई थ्री। अब यहाँ से बोल दिया कि ये पाई बाई थ्री हो गया तब, लेकिन बच्चा को ये पता नहीं कि तोड़ा कैसे, वो कैसे जाना कि ऐसे ही टूटेगा, ठीक है, जो हम लोग को भी प्रॉब्लम होता था। अब यहाँ पे कैसे तोड़ दिया, कॉस इनवर्स कॉस है ना डायरेक्ट तोड़ दिया जाता है, बता है ना इस टाइप से बताया जाता है कि पाई बाई सिक्स। अब बहुत बंदा को ए प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पाई ले रहा है तो यहाँ 2π क्यों ले लिया, कहीं ऐसा हो सकता है कि 3π ले ले। तो इसलिए आप लोग को है ना एकदम इजी वे बताया जा रहा है, एकदम इजी वे बताया जा रहा है, थोड़ा है ना थोड़ा ध्यान में रखना है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलो आप लोग को ट्रिक से बताया जाएगा है ना, तो सुनना है बात। सबसे पहले ये पता करना है, वैसे आप लोग को पता है कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा या हम लोग जिस टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग को पता है कि कंडीशन में नहीं दिया रहेगा। साइन बोलता है कि मेरा पीछे 90 है ना 90 से कम होना चाहिए, लेकिन हम लोग किस क्वेश्चन का बात कर रहे हैं है ना ऐसा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं कि 90 से ऊपर दिया रहेगा, मतलब उसका कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो आप लोग को पता है कि सच में कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, लेकिन एक बार चेक कर लेंगे। ए 4 है और पाई का मान कितना होता है 180, ठीक है, आपको पता है कि पाई को पहले क्या करेंगे डिग्री में चेंज कर लेंगे, पाई को क्या करेंगे डिग्री में चेंज कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि सच में है ना 90 है या 90 से पार है। तो पाई का मान 180 रख देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, ए आ जाएगा 60, तो हो जाएगा 6 चौक 24 240। अब यहाँ से आपको पता चल गया
कि ये 4π/3 का मान पता है क्या है, 240, ये क्या है 240 डिग्री। अब ये बात को सुनना है, 240 डिग्री है। अब आपको पता है बोले थे कि दो बात कम से कम पिछला वीडियो का कम से कम दो बातें याद रखना है, साइन टेन कोसेक, ये तीनों इस ग्रुप का आदमी के पीछे 90 से कम होना चाहिए। और आज जो मेरे को क्वेश्चन दिया गया है वो है ना पीछे 90 से कम क्या रहेगा, है ना 90 से कम क्या रहेगा, बल्कि 90 से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आपको समझ में आ गया कि जबकि है ना अगर ऐसा होता साइन इनवर्स साइन, अगर मान लो 30 डिग्री होता तो साइन वाला बोलता है कि अगर मेरा पीछे 90 से कम होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ 30 डिग्री आंसर दे सकते हैं, कैंसिल हो जाता है, 30 डिग्री उतर जाता है। लेकिन बताया गया था कि अगर 90 से ऊपर होगा तब फिर ऐसा है ना साइन इनवर्स साइन, अगर कंडीशन साइन का है कि 90 से कम बैठा रहना चाहिए, और अगर ऊपर जाए अगर 90 से कम बैठा रहेगा तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। अगर 90 से है ना अगर 90 से ध्यान से सुना है, अगर 90 से अगर ज़्यादा होगा तब इस केसेस में कैसे बनाएंगे, 120 नहीं उतरेगा बल्कि इस केसेस में बनाना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसलिए हम लोग को पता है किस टॉपिक का बात कर रहे हैं कि उसका कंडीशन में जो होता है उससे ऊपर दिया रहेगा। अब सुनना है कि सर साइन के पीछे हम लोग जानते हैं कि साइन टेन कोसेक के पीछे 90 से कम होना चाहिए सर, लेकिन यहाँ पे 240 दे दिया सर, तो अगर ये 90 से कम होता तो डायरेक्ट आंसर बोल देते कि अगर साइन इनवर्स साइन रहता और ऐसे रहता पाई बाई थ्री 180/3 आप करोगे 60 डिग्री आएगा, तो सर 60 डिग्री डायरेक्ट बोलते पाई बाई थ्री आंसर। लेकिन ये तब उतारना है जब 90 से कम होगा, अगर 90 से ज़्यादा है तो फिर इसका औकात से बाहर है, इसका जब औकात से बाहर है तो है ना जिस आदमी का अगर मान लो उस है ना किसी का औकात से बाहर कोई काम नहीं कर सकता है, तो ये बोला कि अगर मेरा 90 से कम होता तो फिर मेरा औकात के अंदर का बात था फिर हम दे देते, लेकिन बोला कि 240 तो मेरे को खुद नहीं बुझा रहा है कि मेरा सच में मेरा औकात से बाहर है तो हम कैसे दे सकते हैं। तो इसीलिए साइन वाला पीछे कब देता है, जब 90 से कम मतलब उसका औकात के अंदर का बात होता है, है ना, तो औकात के अंदर का जब बात होगा तो आपको दे देगा। अब जिस आदमी कोई भी आदमी अपना औकात से बाहर काम नहीं करता है, अब साइन बोला यार देखो ना मेरा पीछे 240 बैठा है जबकि मेरा 90 से कम होना चाहिए था, तो हमें है ना, तो बोले कि आंसर देगा क्या मेरे को, बोला हम कैसे दे सकते हैं, मेरा आदमी नहीं ना है, 90 से कम होता था हम आपको दे देते, लेकिन 90 से ज़्यादा है पता नहीं क्या क्या बैठ गया था, हम कैसे दे सकते हैं, मेरा औकात से बाहर है। तब औकात से जब बाहर है तब ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाना है सुनना है। तो सबसे पहले ट्रिक नंबर वन सुनना है, आपको ट्रिक बताया जा रहा है, क्या ट्रिक बताया जा रहा है सुनना है। सबसे पहले जो नंबर है 4/3, जो नंबर है 4/3 उसको डिवाइड मारो। तो जब डिवाइड मारेगा नंबर बोल रहे हैं, ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर डिवाइड मारो तो ये आपका 1 point something आएगा। आप डिवाइड कर लो यार, देख लो तीन इकाएँ तीन ए बच गया, पॉइंट लोगे जीरो, 3 3 9 मतलब 1.3 something आएगा। तो हमको पॉइंट से मतलब नहीं है, 1 point something। तो अब अगर हम बात करें तो 1 point something आ रहा है, तो याद रखना अगर यहाँ 1 point something है तो पॉइंट वाला छोड़ देना है। तो 1 आया समझ जाना 1π, क्लियर है। अगर यहाँ पे आता 2 point something, जैसे है ना आप देख लो 13/6 तो 6 × 12 मतलब 2 से ज़्यादा आएगा, 2 point something, तो पॉइंट को छोड़ देना है तो कितना हो गया 2, तो 2π, क्लियर है। अगर 3 point something होता तो 3π, 4 point something होता तो 4π। तो मतलब जब डिवाइड आप करोगे अगर 1 point आएगा तो समझ जाना 1π, है ना, मतलब पॉइंट को छोड़ देना है, 2 point आएगा तो 2π, 3 आएगा तो 3π, 4 point है 4π। चलो आपको समझ में आ गया पहला ट्रिक क्या था, नंबर को डिवाइड करके देख लेंगे, अगर 1 आ रहा है तो 1π, 2 point आएगा तो पॉइंट छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2π, मतलब पॉइंट छोड़कर नंबर का बात करना, 3 point आएगा तो पॉइंट छोड़ देना है, है ना, तो क्या बचा 3, तो 3π, मतलब 2 point मतलब 2π, 3 point मतलब 3π, 1 point मतलब 1π, मतलब जितना आएगा। दूसरा क्या था ट्रिक कि अगर 4π/3 अगर दिया हुआ है तो आगे वाला नंबर को छोड़ देना है, है ना, आगे वाला नंबर को क्या कर देना है छोड़ देना है, तो बचा कौन π/3, क्लियर है ना। अब सुनना है तीसरा अगर बड़ा होगा तो आपको पॉजिटिव ऐड करना है, क्लियर है, बड़ा होगा तो क्या करना है पॉजिटिव। अब इस ट्रिक से हम बनाएंगे,
चलो साइन इनवर्स साइन, क्लियर है, साइन इनवर्स साइन। तो अब भी बोले थे कि पहले नंबर को डिवाइड करेंगे, है ना, नंबर पाई को छोड़ देना, नंबर सिर्फ 4 और 3, ऊपर और नीचे का नंबर डिवाइड करेंगे। अगर 1 point something आया तो पॉइंट छोड़ देगा तो 1 बचेगा, मतलब 1 पाई, 2 point आएगा तो 2 पाई। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब पाई लिखो, है ना। इसके बाद बोला गया था कि अगर 4π/3 है तो आगे वाला नंबर छोड़ देना है, छोड़ देना है तो π/3, ये चीज बचा, तो यहाँ पे आपको रखना π/3, क्लियर है। अब बोला गया था बड़ा क्या है, है ना, ऊपर बड़ा होगा, यहाँ ऊपर बड़ा लिखते हैं, ठीक है, ऊपर में बड़ा, ऊपर बड़ा होगा, ऊपर बड़ा मतलब जैसे देख लो ऊपर 4 है, जैसे ऊपर 4 है, ठीक है, और नीचे क्या है 3 है, तो ऊपर बड़ा है, देख लो ऊपर बड़ा है, तो बड़ा कब आएगा, तो बड़ा कब आता है, है ना, जब धीरे, है ना, धीरे धीरे ऐड करेंगे, कोई चीज़ को ऐड करोगे तो बड़ा आएगा। तो जब बड़ा दिया रहेगा ऊपर में, ऊपर में जब बड़ा दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या भर देंगे, प्लस, क्या भर देंगे, प्लस। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन आपको, ये ट्रिक अगर समझ में आ गया तो फिर हर एक क्वेश्चन आप बना दोगे, है ना, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो सबको जो परेशान होता है या परेशान करता है, तो यही सब क्वेश्चन होता है जो आपको ट्रिक से बताया गया है, ताकि आप दिक्कत ना हो और कोई भी बच्चा आप, है ना, बहुत ईजी समझ सकता है। तो एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं, सुन लेना, अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया दोस्त, तो सच में आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो टफ बोला गया वो बहुत ईजी लगेगा। तो सुनना है मेरा बात, पहला ट्रिक जैसे यहां से बताते हैं, 7/6 डिवाइड करना 1 point something, मतलब 1 पाई, क्लियर है। दूसरा बोला गया था कि 7π/6 होगा तो आगे वाला नंबर छोड़ देना, तो क्या बचा, π/6। तीसरा, अगर ऊपर में 7 है नीचे 6 है, तो ऊपर में जो नंबर बड़ा होगा, तो ऊपर में बड़ा है, तो ऊपर में जब बड़ा होगा, ऊपर में जब बड़ा होगा, ऊपर में बड़ा, तो आपको पॉजिटिव लेना है। तो एक ट्रिक अगर आपको समझ में आ गया तो बन गया। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, सबसे पहले, है ना, ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर लेना, डिवाइड करके देखना, और डिवाइड करने के बाद अगर 1 point something आएगा तो 1 पाई, 2 point something आएगा तो पॉइंट से इधर छोड़ देना, तो 2 आएगा तो 2 पाई, 3 point आएगा तो 3 पाई, क्लियर है। दूसरा ट्रिक कि अगर ए पूरा ले लेना और आगे वाला नंबर को छोड़ देना, आगे वाला नंबर को डिलीट कर देना, मतलब कट कर देना। तो जब आगे वाला नंबर को कट कर देगा, मतलब बोलो ना यार, ऊपर वाला नंबर को कट कर देगा, तो बचेगा π/3। अगर ऊपर बड़ा है, ऊपर बड़ा है, तो उस केस में क्या लेना, पॉजिटिव। तो 3 ट्रिक आपका काम हो रहा है, पहले डिवाइड, आगे वाला नंबर छोड़ देना है, जो बचेगा वही लिख देना है, और ऊपर में अगर बड़ा होगा, ऊपर में नंबर बड़ा होगा, नीचे छोटा होगा, तो बड़ा कब आता है ऊपर में, जब प्लस एड होगा, बड़ा कब आएगा, जब प्लस करेंगे, है ना। तो ये चीज था, अगर इतना समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया। तो पहला क्या आया, पाई। दूसरा ट्रिक क्या आ गया, π/3, बगल में लिखो, पहला लिख दिया, दूसरा भी लिख दिया। बड़ा के लिए क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब एक चीज यहाँ के बाद आपको बहुत ईजी लगेगा, कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा सुनना है मेरा बात, मेन काम यहाँ तक था, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे हैं ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का यही टफ है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो आपसे आप खुद बाय खुद बनने लगेगा। अब सुनना है, आपको बताया गया था, याद करो, sin 90+θ और sin, है ना, 180+θ, थोड़ा सा सुनना है बात, आप एकदम ध्यान से सुना, 11th क्लास में बताया गया कि आपको पता है कि 90 पे चेंज होता है, तो साइन कहाँ हो जाएगा, कॉस, क्लियर है, और ए थीटा पीछे वाला उतर जाता है। चलो, आपको पता है कि 180 पे चेंज नहीं होता है, 180 मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो ये सब पाई वाला जितना भी मेंबर होगा तो चेंज नहीं होगा, और 90 को बोलते हैं π/2, है ना, और आगे 90 बात करेंगे 3π/2, तो π/2 वाला में चेंज करता है और पाई वाला में चेंज नहीं होता है, कान खोल के सुन लो। तो 180 पे चेंज नहीं होगा, अगर ये साइन था तो यहाँ पे चेंज हो गया 90 के वजह से, लेकिन यहाँ 180 के वजह से साइन का साइन ही रहेगा। आपको पता है कि थीटा क्या हो जाता है, उतर जाता है, थीटा क्या हो जाता है, उतर जाता है। अब एक बात बताओ, अब एक लड़का बोल रहा है, सर ये 90 और 180 कहाँ गया, चलो ये समझ में आ गया, थीटा वाला उतर गया, पीछे वाला उतर गया, लेकिन 90 180 क्या गया। अरे यार, आगे वाला का काम होता है कि उसको बस साइन को बताएगा कि चेंज होना है कि नहीं होना है, तो 90 बता दिया साइन को कि चेंज हो जाओ, कोस में हो गया, बाकी इसका काम खत्म हो गया, मतलब ये निकल गया, ये अपना ऑर्डर दे के निकल गया, 90 बोल दिया कि साइन तुम चेंज हो जाना,
बस ये निकल गया। अब 180 बोला है ना कि चेंज नहीं होना, कितनों कोशिश करे चेंज करने का, तो साइन बोला कि ठीक है 180 बोला कि चेंज नहीं होना, तो साइन का साइन रह गया और पीछे वाला थीटा उतर जाता है। फिर सुन लो कानून, तो आगे वाला काम होता है चेंज होगा कि नहीं, नहीं नहीं, और पीछे वाला जो होगा जो भी होगा यहाँ जो भी होगा वो सिर्फ उतरते जाता है। तो ये बात आपको पता है, अब सुनना है। तो यहाँ से आ गया साइन इनवर्स, साइन क्लियर है, साइन इनवर्स क्या हो गया साइन, ध्यान से सुनना है, साइन इनवर्स आप यहाँ से सुनो, ये आपका आ गया साइन इनवर्स, अरे क्या हो गया साइन, आपको पता है कि ये पाई है, पाई पे आपको बताए थे कि 180 पे चेंज नहीं होता, मतलब जब तक यहाँ पाई बाई टू वाला टर्म नहीं होगा, 90 पे चेंज होता है जिसको पाई बाई टू बोलते हैं, तो पाई के टर्म में चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही होगा। अब ए कहाँ गया सर, ए भाग गया, ए ऑर्डर दे दिया कि चेंज नहीं होना तुम, तो साइन का साइन ही रह गया क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता है। आपको पता है कि ये थीटा के जगह मो है, ये क्या है थीटा के जगह, तो थीटा कौन है पाई बाई थ्री, तो ये पाई बाई थ्री आपका उतर गया, समझ आ रहा बात, तो थीटा वाला ये उतार देना है, और पाई का काम है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, तो पाई में चेंज नहीं होता, यही पाई बाई टू होता तो चेंज हो जाता, क्लियर है, कान खोल के सुन रहा है ना, तो पाई पे क्या बोल दिया चेंज नहीं होना है, तो साइन रह गया। अभी पाई यहाँ पे इसलिए नहीं लिखाया कि ऑर्डर दे के भाग गया, उसका बस इतना ही काम था। अब ये थीटा के जगह जो पाई बाई थ्री है उतर गया, क्लियर है, अब सुनना है। अब थोड़ा सा बात, अब एक बात बताओ, पाई पे नो चेंज, पाई पे नहीं चेंज हुआ, अरे थीटा के जम क्या हो गया पाई बाई थ्री, पाई पे नो चेंज, पाई है ना चेंज नहीं करवाया और वो निकल गया, अरे जो थीटा जो यहाँ उतरता है, यहाँ जो अभी बोल रहा था पाई प्लस थीटा लिखता है साइन थीटा, आखिर थीटा आता कहाँ से, ये पीछे वाला चीज, तो पीछे यहाँ थीटा के जगह कौन है पाई बाई थ्री, तो उतर गया। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि पाई का काम था चेंज नहीं होने देना, ये निकल गया, इसका काम खत्म, और इसका काम है सिर्फ उतर जाना। अब एक चीज बताओ, थोड़ा सा बताना है, अब ये देखना है कि साइन जो अपना पीछे ढो रहा है, साइन अपना पीछे ढो रहा है, ये 11th का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, पाई पे नो चेंज ये उतर जाना, पाई पे नो चेंज ये उतर जाना, पाई पे नो चेंज ये उतर जाना। अब देख लो कि साइन का जो पीछे ढो आ रहा है, सुनना बाब, या तो आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि 240 डिग्री है। अब बता दो, या तो इसका बात करो या तो इसका बात करो, बात बराबर है। और वैसे देख लो, साइन जो ढो रहा है ए पाई है, और साइन के पीछे पाई प्लस, मतलब समझ में आ रहा है, तो पाई प्लस मतलब पाई से थोड़ा ज्यादा है, पाई से क्या है ज्यादा है, और पाई से अगर यहां तक है तब 180 है, लेकिन प्लस है तो प्लस मतलब क्या, पाई में कुछ ऐड कर रहा है, तो पाई यहां से लेकर पाई हुआ, और एक कटी थोड़ा सा भी ऐड करेगा, थोड़ा सा भी ऐड करेगा तो आगे चला जाएगा। अरे कौन सा घर है, थर्ड घर है, तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये दोनों का घर है, क्लियर है, और यहाँ पे टेन और कोट का घर है, क्लियर है, अब सुनना है। और यहाँ पे क्या होता है कोस और सेक का घर, तो सुन लो, ए जो साइन जो अपना पीछे ढो रहा है वो पता है किस घर का बात है, पाई से ज़्यादा मतलब थर्ड घर, और थर्ड घर में, थर्ड घर में किसका घर होता है टेन कोट, और ढो कौन रहा है साइन, तो बताओ साइन जो ढो रहा है ना दूसरा घर का ढोएगा तो मार खाएगा नहीं खाएगा, तो साइन जो अपना पीछे ढो रहा है वो कौन सा है, थर्ड घर का आदमी है, और थर्ड घर को कौन ढो सकता था टेनर कोट, तो इसीलिए साइन जो अपना पीछे ढो रहा है पाई प्लस मतलब पाई से ज्यादा मतलब थर्ड घर, और थर्ड घर को कौन ढो सकता था सिर्फ टेनर कोट, लेकिन थर्ड घर का जो ए जो है, ए जो आपका मेंबर है, ये थर्ड घर का आदमी है, और थर्ड घर का कौन ढो सकता है अपना आदमी टेन कोट, लेकिन ढो कौन रहा है साइन, इसीलिए 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 है ना साइन तो मार खा जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया आगे माइनस, कोई दिक्कत है क्या, अब बस समझ में आ गया। अब बोला सर अगर 180 से कम होता तब साइन ढोता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मान लो यहाँ 180 से कम होता, 180 से कम होता तब साइन ढो सकता है, क्योंकि साइन का घर होता है सेकंड घर, अब सेकंड घर में कौन ढो सकता है, सेकंड घर में कौन ढो सकता है, ध्यान से सुनना है, साइन, क्यों, क्योंकि साइन अपना घर को ढोएगा तो कोई अपना घर को ढोएगा मार खाएगा क्या, नहीं, इसीलिए यहाँ पे है ना साइन जो है ना पाई से ज्यादा है, और कहाँ है पाई से ज्यादा थर्ड घर का बात हो रहा है, और थर्ड घर में जो ढो रहा है ढो सकता है वो कौन ढो सकता है, थर्ड घर किसका है टेन कोट का, और यहाँ जो थर्ड घर है वो कौन ढो रहा था साइन, तो इसीलिए साइन क्या हो गया मार खा गया। अब इसीलिए अब बताओ, आपको पता है कि फॉर्मूला जो होता है साइन इनवर्स साइन, है ना साइन इनवर्स
साइन एक्स इस टाइप से बताया गया था, तो क्या नेगेटिव होता है क्या नहीं, तो इसीलिए आप क्या करो साइन इनवर्स साइन ए नेगेटिव को अंदर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री। तो आपको यहाँ से पता चल गया है ना। अब सुन लो अब कहानी क्या है कि अब सुन लो यही साइन, पहले साइन का क्वेश्चन था 240 और साइन बोला था कि मेरा पीछे है ना माइनस 90 से प्लस 90 बैठ सकता है, ठीक है। तो माइनस 90 और इधर क्या 90, तो 90 क्या 89 होगा है ना, 70 होगा, इस टाइप से घटेगा। माइनस 90 से इधर क्यों माइनस 89, माइनस 88, माइनस 87, तो एक पाई बाई थ्री कितना है, पाई मतलब 180 और एक क्या तीन मतलब 60 डिग्री, एक क्या है 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री, और माइनस 60 माइनस 90 से इधर होगा, माइनस 60 इधर होगा। तो अब तुम खुद बताओ कि ये जो पीछे जो आ रहा है वो माइनस 60 है, एक क्या है माइनस 60, एक क्या है आपका माइनस 60। अब माइनस 60 माइनस 90 से 90 के बीच में होता है, माइनस 60 पक्का इधर होगा, 90 से इधर क्या होगा, 90 से इधर माइनस 80, माइनस 60, माइनस 70 और इधर क्या होगा 80 70 70 इस टाइप से होगा। तो माइनस 60 जो है माइनस 90 से 90 के बीच में आ गया। तो आपको पता है कि अब साइन बोला कि मेरा पीछे 90 से कम आ गया है ना, 90 से कम आ गया, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, अरे एक कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई थ्री। तो ये चीज़ था है ना, ये चीज़ था आपका है ना, एक क्वेश्चन आपको बन गया, क्लियर है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले पाई पे नो चेंज, साइन का साइन ही रह गया, ए थीटा के जम क्या पाई बाई थ्री उतर गया। अब एक बात पता करना है कि साइन पाई से ज्यादा है, पाई प्लस मतलब पाई, क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहां से भी ध्यान देख सकते, साइन के पीछे कितना है 240, यहां कितना होता है 180। अब 240 क्या होगा, थर्ड घर होगा, होगा ना, यहां से भी आप देख सकते हैं, अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो साइन के पीछे 240 है और साइन क्या 240 ढो सकता है क्या, नहीं, क्यों, 240 किसका घर है, थर्ड घर, क्योंकि 180 से पार है और 180 से पार क्या होता है टेन और कोट का घर है। तो यार साइन है ना, साइन जो अपना पीछे जो ढो रहा है 240 ढो रहा है और साइन ढो कितना सकता था 180 से कम, तो ए जो साइन जो पीछे 240 ढो रहा है कौन ढो सकता है टेन कोट, इसीलिए दूसरा घर का आदमी को ढो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया मार्क आ गया। अब आपको पता है कि साइन और साइन ऐसा फॉर्मूला होता है, नेगेटिव क्या कर दिए अंदर ले गए, नेगेटिव है ना फॉर्मूला आप देखा था, साइन साइन होता है, कॉस कॉस होता है ना, साइन साइन होता है, एक साथ होना चाहिए, तो नेगेटिव अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको अंदर ले गए। अब आपको क्या पता चला, क्या पता चला, ध्यान से सुनना है कि बोला गया था कि अगर साइन माइनस है ना 90 से कम अगर पीछे रखा होगा तब आप डायरेक्ट इसको उतार सकते हैं। तो शुरू में क्यों नहीं उतारे, क्योंकि प्लस 90 से ज़्यादा था, इसीलिए इसको है ना तोड़ तोड़ के ऐसा तोड़ा गया कि 240 कहाँ बन गया माइनस 60 डिग्री, और माइनस 60 माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आता है, इसीलिए है ना 240 को ऐसा ट्रिक से तोड़ा गया कि कहाँ आ गया अपने आप माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आ गया, और जब 90 और प्लस 90 के बीच में आ गया तब आप उतार सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे बनता है आपको पता चला ना, कैसे बनता है कि अगर आपको अगर इसका अवकाश से बाहर दे दिया है, 90 से बाहर दिया है, तो उसको ट्रिक से ऐसे तोड़ो कि ऐसे तोड़ो ट्रिक का यूज करके कि वो अपने आप 90 से बाहर था तो 90 के अंदर आ जाएगा, 90 के क्या आ जाएगा अंदर, और जब अंदर आ जाएगा तो हम बैठे हुए रहेंगे तैयार होके और तुरंत खींच लेंगे है ना। तो वही इंतजार कर रहे थे कि 240 तो है ना टूट के माइनस 90 से 90 के बीच में आ जाए और हम वहाँ बैठे रहेंगे और तुरंत क्या करेंगे, जैसे देखेंगे कि वो है ना मछली जाल में फंस गया, तुरंत हम लोग क्या करेंगे आंसर दे देंगे है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया है ना, आप समझ में आ गया, आप नोट कर लें। अब हम लोग इस ट्रिक को अगर आप समझिए तो ये अब हम लोग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा सुनना है। आपको बताया गया था, बोले थे कि पिछला वीडियो का जो लेक्चर में बताया गया था वो 36 मिनट का था और 36 मिनट हम आपको ध्यान में रखने नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ दो बातें याद रखना है, क्या, पहला ग्रुप कि साइन टेन और कोसेक, अगर ये याद नहीं रख रहे हो और भूल जा रहे हो तो भूलने वाला तो कोई बात ही नहीं है यार, नहीं ना
साइन टेन और कोसेक इस फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप अपना पीछे माइनस 90 से लेकर प्लस 90 के बीच में रखता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर ठेठ में बोलें कि साइन अपना पीछे और टेन अपना पीछे और कोसेक अपना पीछे 90 से कम रखेगा। दूसरा ग्रुप क्या था, साइन छोड़कर क्या बचा कोस, टेन छोड़कर क्या बचा कोट, और कोसेक छोड़कर क्या बचा सेक। और ये सब अपना एंगल में 0 से लेकर 180 के बीच में रहता है। तो कोस कोट और सेक अपना पीछे 180 तक ही रख सकता है, मतलब 180 से कम या तो 180 तक, लेकिन साइन कहाँ तक, 90 तक। तो ये बात आपको पता है। अब सुनना है कि ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग बनाए साइन वाला कितना रख सकता था, 90। चलो अब कौन सा क्वेश्चन आया, 10, तो 10 भी कितना रख सकता है, देख लो कौन सा ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप। तो साइन 10 कोसेक ये सब तीनों 90 से कम रखता है। अब यहाँ पे किसका ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है 10 है, तो ये भी 90 से कम रखना चाहिए। तो अब पता करेंगे कि ये 90 से कम रखा है कि ज़्यादा। अगर मान लो अगर 90 से कम रहेगा तो आपको पता है कि ये हट जाएगा, पीछे वाला डायरेक्ट आंसर दे देंगे। लेकिन है ना, अगर 90 से ज़्यादा होगा, उसका औकात से बाहर रखा होगा, तो आपको पता है कि ट्रिक से फिर तोड़ तोड़ के उसको है ना 90 के अंदर लाना पड़ेगा। ये बात आपको पता है। तो अब एक बात पहले पता करें कि 10 90 से कम रखना चाहिए। अब ये पता करना है कि 90 से कम रखा है या नहीं रखा, ठीक है। तो सुनना है, आपको बताए थे 7 है और नहीं समझ में आ रहा है तो पाई का मान 180 रख दो, है ना, रेडियन को डिग्री में चेंज करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है पाई क्या है, है ना, नहीं समझ में आ रहा कितना डिग्री है, तो क्या करो, पाई का मान रेडियन को डिग्री में चेंज कर दो। तो पाई के जगह हम 180 रख दो और ये क्या हो गया 6 6 18, मतलब 7 210 डिग्री। अब आपको समझ में आ गया, ए आपका हो गया 210 डिग्री, ठीक है। अब आप खुद बताओ कि 10 जो है बोलता है कि 90 से कम होना चाहिए। 10 क्या बोलता है, मेरा पीछे 90 से कम होना चाहिए। अगर 90 से कम होता तो आज इस टाइप से अगर सवाल होता है ना, मान लो 45 डिग्री, तो अगर यहाँ पे देखो 10 बोलता है 90 से कम होना चाहिए और यहाँ सच में 90 से कम है, तो इसीलिए आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 45 डिग्री। ऐसा कब, जब उसका औकात के अंदर बैठा होगा, मतलब उसका औकात है 90 तक और 90 के अंदर तक बैठा होगा, तब आप ये उतार सकते हो। लेकिन हो है ना, लेकिन उसका औकात से अगर 90 है, 90 से बहुत ज़्यादा बैठ गया है, तो बाबू बोल देगा कि मेरा औकात से बाहर है, हम अपना औकात से बाहर काम नहीं कर सकते, हम नहीं दे सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है इसका औकात 90 है और यहाँ 210 बैठ गया है, तो आप अगर एक कर देते हो 210 अगर आप उतार दिए तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ तभी उतरता है जब 90 से कम होगा और इसका औकात के अंदर होगा, तभी बेचारा देगा। लेकिन औकात से जब बाहर बैठा होगा, औकात से ज़्यादा बैठा होगा, तो वो बोलेगा है ना, आपको बोल देगा कि हम नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर 10 कहाँ तक रखता है, 90 से कम, तो 90 से कम होगा तो डायरेक्ट आंसर लिख देना है एग्जाम में। अगर 90 से ज़्यादा दे दिया है तो बाबू उसको डायरेक्ट 210 उतार नहीं सकते हैं, बल्कि इसको याद है ट्रिक के अनुसार तोड़ तोड़ के हम लोग क्या करेंगे, उसको 90 के अंदर ले आएंगे। तो ट्रिक कब काम करता है, ट्रिक क्या है कि अगर औकात, जो औकात से बाहर काम चल रहा है उसको औकात के अंदर लाओ, समझ आ रहा है ना। तो अब सुनना है, जब 10 के पीछे 90 तक होना चाहिए और यहाँ 90 से ज़्यादा है, वो भी क्या 210, तो 10 के औकात से बाहर है, तो इसको ऐसा ट्रिक लगाओ है ना जो बताया गया उसका यूज करते हुए कि 210 90 के अंदर आ जाए, और 90 के अंदर आ जाएगा तब आप पीछे वाला उतार सकते हो, लेकिन अभी नहीं। क्यों, ये 90 से ज़्यादा है। तो हम लोग क्या बताए थे ट्रिक, क्लियर है ना, ट्रिक क्या बताया गया था, सुनना है एकदम समझ में आएगा। सबसे पहले नंबर, ऊपर का नंबर नीचे का नंबर, पाई छोड़ देना है, पाई का बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर और नीचे का नंबर उसको डिवाइड करो तो 1 point something आएगा। तो जब 1 point something आएगा तो आपको बताया था कि अगर एक आएगा तो है ना, एक आएगा तो देख लो कि अगर एक आएगा तो देख लो कि पाई है, क्लियर है ना, एक आएगा तो देख लो कि पाई है। तो आपको बताया गया था कि अगर एक आएगा तो 1 point something आएगा, तो समझ जाना है 1 point something अगर आएगा तो समझ जाना है 1 पाई, 2 point something आएगा तो 2 पाई, मतलब पॉइंट छोड़ देना है, पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक बताया गया था कि यहाँ जितना भी मेंबर है
आगे वाला छोड़ देना है, आगे वाला नंबर छोड़ देना है, आगे वाला नंबर क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा आपका, पाई बाई सिक्स। चलो ये आपका दूसरा ट्रिक था, है ना, ये आपका क्या था, दूसरा ट्रिक था, ये आपका क्या था, दूसरा ट्रिक था। पहला ट्रिक क्लियर, दूसरा भी क्लियर। आपको बताया गया था कि ऊपर में बड़ा होगा, ऊपर में बड़ा। अब सर ऊपर में बड़ा आ रहा है हमेशा, नीचे नहीं आएगा क्या, आएगा। अभी देखो तो ये तीन एग्जाम्पल ऊपर का बड़ा वाला क्वेश्चन है, है ना। तो ऊपर में बड़ा होगा तो पॉजिटिव लिखना, तो आप ए ट्रिक का यूज करके तुरंत तोड़ सकते हैं। सुनना है बात को, सबसे पहला जो नंबर होगा, जो नंबर होगा उसको डिवाइड करो। अगर वन पॉइंट समथिंग आया तो समझ जाना एक पाई, अगर टू पॉइंट समथिंग आएगा तो पॉइंट छोड़कर, छोड़ देना है, पॉइंट को हम लोग को लेके नहीं चलना है, तो टू आएगा टू पाई, थ्री पॉइंट समथिंग आएगा तो थ्री पाई, तो यहाँ पे वन पॉइंट समथिंग आए तो वन पाई, ठीक है। इसके बाद दूसरा ट्रिक था कि इसको उतार लो और आगे वाला जो नंबर है आगे वाला उसको छोड़ देना है, तो बचा कौन, पाई बाई सिक्स, और ऊपर में बड़ा होगा तो आपको पॉजिटिव। तो इस ट्रिक का यूज करते हुए हम लोग इसको तोड़ देंगे, है ना। टेन इनवर्स, टेन क्या पहला आया, पाई आया, तो यहाँ पाई लिखो। दूसरा क्या आया, पाई बाई सिक्स, फिट कर रहे हैं ट्रिक को, बैठाने का कोशिश करें, पहला में पाई, दूसरा पाई बाई सिक्स, और तीसरा ट्रिक क्या बोला है, प्लस, तो बीच में क्या रख देना है, प्लस। ये आपका अगर इतना समझ में आ गया तो आपसे बन गया क्वेश्चन। तो एक बात बताओ, तो एक क्या हो गया, टेन इनवर्स, है ना। आपको पता है कि टेन हो या साइन हो, है ना, 90 अगर होगा, मतलब जिसको बोलते हैं 90 को पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो इस पे चेंज करता है, टेन कोट बन जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा। लेकिन अगर पाई वाला सीधा सीधी है, पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, तो ये सब में चेंज नहीं होता है। तो टेन, है ना, इसका काम क्या है, ए बंदा बोल दिया कि टेन तुम समझ जाओ चेंज नहीं होना है, तो टेन बेचारा टेन ही हो गया, टेन क्या रह गया, टेन ही, चेंज नहीं हुआ, है ना। मन तो कर रहा था चेंज करने का, लेकिन ये देखा, इसका ऑर्डर सुना तो नहीं चेंज। आपको पता है ये क्या है, थीटा। अब थीटा के जगह हम क्या है, है ना, पाई बाई सिक्स, ए पाई बाई सिक्स उतार दिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्लियर है। अब सुन लो, पाई पे नो चेंज, तो टेन का टेन ही रह गया। अरे यार एक बात बताओ, ए तो बाहर से है, टेन इनवर्स बाहर से है, ए ना चेंज करेगा। एक बात बताओ, टेन पाई, तो पाई पे नो चेंज, मतलब टेन चेंज नहीं करेगा, इसके सामने कौन है, टेन, ये तो इनवर्स तो मतलब पीछे पीछे चल रहा है। अब देख लो, पाई पे नो चेंज, पाई का काम था अपना बता दिया कि टेन समझ जाओ चेंज नहीं होना है, यहाँ पाई बाई टू होता तब तुम चेंज होता, हम पाई बैठे हुए हैं इसलिए चेंज नहीं होना है। अब पाई बस इतना बोला और वो निकल गया, उसका अब कोई काम नहीं है। अब इस जो है ये लास्ट में आपको पता है कि पाई प्लस थीटा, तो थीटा के जम कौन है, पाई बाई सिक्स, तो आपको पता है कि थीटा, है ना, अगर टेन हो तो टेन थीटा होता है, तो थीटा क्या होता है, उतर जाता है, तो थीटा के जम पाई बाई सिक्स क्या हो गया, उतर गया, कोई दिक्कत है क्या। अब सुनना है थोड़ा सा, चलो इतना समझ में आ गया, पाई पे नो चेंज, पाई पे नो चेंज, पाई पे नो चेंज, पाई गायब, पाई पे नो चेंज, पाई पे नो चेंज, पाई पे नो चेंज, पाई गायब, पाई का इतना ही काम था, बस बता दिया चेंज नहीं होना है, हम चलते हैं अब। और इसका काम था थीटा के जम पाई बाई सिक्स उतर जाना। अब सुनना है, अब ये पता करना है, जब ये सब कर लेते तो एक लास्ट पता करना रहता है कि टेन जो ढो रहा है अपना अपना औकात के अनुसार ढो रहा है कि कहीं दूसरा घर का तो उठा के नहीं ढो रहा है। अब सुनना है, जो टेन ए पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो यहां से भी आप समझ सकते हो पाई है, और पाई से ज्यादा है, तो पाई से ज्यादा मतलब थर्ड घर पहुंच गया, समझ आ रहा है। या तो फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सुनो, आखिर यही चीज है ना, छ और एक पाई जोड़ेगा, छ पाई प्लस पाई, तो है ना, छ पाई प्लस पाई यही चीज है, सेवन पाई है, तो इसको सिर्फ तोड़ के लिखा गया, ठीक है, कैसे, ट्रिक के अनुसार, आखिर बतिया तो सेम है, तो इसीलिए अगर आपको यहां नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से भी देख सकते हैं, टेन कितना ढो रहा है, है ना, अगर ये दोनों सेम चीज है तो इसको क्या बोलते हैं, 210, और बताओ 180 यहां होता है, और 210 180 से पार होगा, यहां 210 होगा, थर्ड घर में होगा, और थर्ड घर किसका होता है, टेन और कोट, तो यहां जो टेन जो ढो रहा है 210 डिग्री, वो क्या है, अपना घर का आदमी का ढो रहा है, तो यार ये टेन का घर है और कोट का घर है, और 210 डिग्री जो टेन के पीछे जो 210 डिग्री है, तो 210 डिग्री यहां जो टेन के पीछे है। अब एक लड़का बोल रहा है, यहां कहां है सर, यार बार बार बोल रहे हैं कि ये जब जोड़ेगा ना तो 7π/6 आएगा, 7π/6 अरे दोनों सेम चीज है, सिर्फ तोड़ के लिखा गया है। अब 7π/6 को क्या बोलते हैं, 210, तो 10 के पीछे क्या बैठा है, 210। अब 10 के पीछे अगर इसका बात करें तो ये 210 है, तो 10 है ना, 210 कौन सा घर है, थर्ड घर, और थर्ड घर किसका होता है, 10 कोट का, तो यार 210 जो ढो रहा है कौन ढो रहा है, 10 कोट, तो क्या दिक्कत है,
टेन कोट का, टेन कोट अपना ही आदमी को ढो रहा है, 210 जो है वो किसका घर का आदमी है, टेन कोट तो अपना आदमी घर का ढो रहा है, तो अपना आदमी को अगर ढोएगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब अपना आदमी को ढो रहा है, आपको नेगेटिव है ना, आप नेगेटिव मत समझिए, इसलिए नेगेटिव नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, अपना आदमी को ढोएगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव दो या ना दो क्या फर्क पड़ेगा, अगर आगे पॉजिटिव लिख दें तो भी तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए आपका यहाँ पे वही रह गया। पिछला क्वेश्चन में नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव अंदर किए, लेकिन इस बार नहीं आया। अब आपको पता है क्या, क्या ए दोनों कैंसल आउट और ए उतर गया, क्यों पता है क्यों उतरा, सुनना है बात, क्यों उतरा पता है, क्यों उतरा सुनना है। टेन बोला था, हम लोग तो यही इंतजार कर रहे थे, ट्रिक क्या काम कर रहा है, ट्रिक ए काम कर रहा है कि टेन बोला था मेरा पीछे 90 तक होना चाहिए और 90 से ज्यादा इसका औकात से बाहर था। हम लोग ऐसा ट्रिक से तोड़े, ऐसा तोड़े कि देख लो आज 210 पीछे था, 10 इनवर्स 10 के पीछे 210 था, अब देख लो 10 इनवर्स 10 के पीछे पाई बट्टे 6 मतलब 180 बट्टे 6 6 18 बता दो 30 डिग्री आ गया, जो कि माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है। तो आपको पता था कि आप लोग को पता था कि ये चीज़ तब उतरता है, अरे कैंसिल हो जाता है, कैंसिल मतलब ये हट जाएगा है ना, अरे उतर जाता है कब, जब इसका औकात का अंदर आ जाए, औकात का अंदर मतलब 10 का औकात का अंदर क्या 90 से कम, और देख लो 90 से कम ये 30 डिग्री है, तभी ये उतार सकती हो। तो आपको समझ में आ गया क्या, क्या कि पहले इसलिए नहीं उतरा 210 क्योंकि 10 का औकात 90 तक है ना, और 90 से कम होता है तब, 90 से कम अगर पीछे होता है, 90 से कम अगर पीछे बैठा रहता है तब आप उतार सकते हो, लेकिन शुरू में 210 इसलिए नहीं उतरा क्योंकि इसका औकात से बाहर था। तो इस जो औकात से बाहर था उसको ट्रिक से ऐसे तोड़ें कि 210 कहाँ बन गया, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। अब बता दो, हम लोग तो यही देख देख थे, हम लोग बैठे थे इंतजार में कि जल्दी 210 90 के अंदर आ जाए, 90 के अंदर आ जाए, और जैसे 30 डिग्री 90 के अंदर आया वैसे हम लोग धाई के पीछे वाला उतार दिए, समझ में आया। तो 210 जैसे कहां बन गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री 90 से है ना अंदर आ गया है ना, और 10 क्या बोलता है 90 से अंदर मेरा औकात है, जैसे 90 से अंदर आए वैसे हम लोग दन के खींच लिए, मतलब इसको हटा के इसको बैठा लिए, समझ आ रहा है। तो ये बात आपका क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ, 210 को हम लोग ऐसा ब्रेक किए कि 210 कहाँ पे है ना बन गया 30 डिग्री, और जैसे हम लोग तो यही इंतजार करते थे कि 10 के पीछे 90 से कम होना चाहिए, और 210 को ऐसा तोड़े ट्रिक से कि सच में 90 से कम 30 डिग्री हो गया, और जैसे 90 से कम होता है वैसे पीछे वाला आप उतार सकते हैं। तो 210 जैसे 30 डिग्री बना है ना, तैसे हमको समझ में आ गया कि अब उतार देना है, क्यों, क्योंकि 90 से कम होगा तो हम लोग उतार सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर है, 10 बोला है कि 90 से कम होगा तो आप धाक उतार सकते हैं, तो इसीलिए उतार है ना तुरंत उतार दिए। तो 210 पहले था, और 210 को ऐसे ब्रेक किए कि कहां बन गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री 90 से कम है, अब तुम ये चीज उतार सकता है, ये चीज उतार सकता है। अभी अभी हम लोग दो एग्जांपल किए हुए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत मेहनत से समझाया जा रहा है। अगर आपको पहला क्वेश्चन, अगर पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो लगता है कि सेकंड एग्जांपल थोड़ा सा है ना और इजी लगा होगा, मतलब कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आया होगा तो सेकंड एग्जांपल आपको परेशानी नहीं हुआ होगा, और हमको लगता है थर्ड करते करते और है ना परेशानी नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अब मेरा कोर्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया है वो कैटेगरी है ना ग्रुप वन का क्वेश्चन है कि ग्रुप टू का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ दिया गया है देख लो कौन सा ग्रुप का है। तो ग्रुप इस बार हमको लगता है कि जो पिछला क्वेश्चन दो किए साइन और टेन, तो साइन और टेन जो था फर्स्ट ग्रुप का मेंबर था, और कोस का इस बार का जो क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रुप में जाएगा। तो आपको पता है कि दो ग्रुप का है, चलो सबसे पहले है ना सेकंड ग्रुप का अगर क्वेश्चन होगा तो कोस का अगर क्वेश्चन होगा तो कोस के पीछे 180 तक बैठ सकता है, 180 से ज्यादा नहीं बल्कि 180 से कम हो सकता है या 180। तो मेरा कहने का मतलब है कोस के है ना, अगर जब कोस वाला क्वेश्चन होगा तो 180 तक आप पीछे बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर 180 तक पीछे बैठा होगा तो आप डायरेक्ट उतार सकते हैं, अगर नहीं बैठा होगा तो फिर आपको ट्रिक से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ये बात आपको पता है। अगर 180 से 180 तक इसका औकात 180 तक है, अगर पीछे 180 तक बैठा होगा, 180 तक मतलब समझ रहा है
कि 180 के बीच में 180 भी हो सकता है, तब आप डायरेक्ट उतार देंगे और आंसर दे देंगे। समझ आ रहा है बात? लेकिन अगर 180 इसका औकात है, 180 के जगह में 250 बैठा दिया, 240 बैठा दिया, है ना, 315 बैठा दिया, है ना, तो फिर तो दिक्कत है, तब तो फिर आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पता करना है कि कॉस का औकात कहाँ तक है, 180 तक। देख लो सेकेंड ग्रुप, कॉस अपना पीछे लिमिटेड है ना, कितना तक बैठा सकता है अपना पीछे, 180 तक। तो सबसे पहले ये बात करना है, बहुत लड़का क्या करता है ना, बहुत लड़का 13π/6 उतार के चला गया, बोला यही आंसर हो गया। बोले थे सर फॉर्मूला लिखाए थे कि आगे साइन साइन हो या कॉस कॉस हो, पीछे वाला उतार देना है, उतार के चल दिया एग्ज़ाम में। अब बोल रहा है कि एक मेरे को मार्क्स मिल गया, है ना, रूम में आके पूरा काउंट कर रहा है कि नहीं मेरा मार्क्स आ जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं बेहुदा को कि क्या गलती करके आया है। बिना कॉन्सेप्ट से पढ़ेगा तो यही सब गलती करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप ये बात जानो, है ना, कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं, अंधाधुंध नहीं काम चल रहा है क्या, कि कोस का औकात है 180 तक बैठाने का। अब हमको ये पता करना है कि कोस जो अपना पीछे बैठाया है कि 180 तक है कि 180 से बाहर है, सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा। चलो अब यहां पे 13 है, बताए थे नहीं समझ में आ रहा है पाई के टर्म में, तो पाई के जब 180 रख दो, बट्टे कितना हो गया 6, तो 13 गुने पाई का मान होता है, पाई को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180, तो 6 × 3 = 18, मतलब 13 × 3 = 39, अरे यार 390, बाप रे बाप 390 बैठाया है पीछे। अब तुमको पता है कि सर 390 कोस पहले देख के समझ गया कि मेरा औकात से बाहर है ना सर। तो आपको पता है कि सपोज अगर कोस इनवर्स कोस अपना पीछे कोस वाला अपना पीछे कोस कोट सेक का सवाल जब भी रहेगा तो अपना पीछे 0 से 180 तक बैठा सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जब 390 है और 390 के जगह अगर 120 बैठा रहता, पहले बात समझना है, तो 120 कोस जो है अपना पीछे कहाँ तक बैठा सकता है, 180 तक। लेकिन जब 120 बैठा है तो 120 तो 180 के अंदर है, तो मतलब इसका औकात के अंदर है। तो जब 120 अगर उसके औकात के अंदर है, मतलब 180 के अंडर है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, रे उतर जाएगा, और यही आंसर आप लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन आज देखो 390 180 नहीं बल्कि 180 से बाहर है। अब कोस बोलता है कि मेरे पीछे अगर 180 तक बैठा है तो आपको तोड़ने का जरूरत नहीं है, ट्रिक लगाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी को पीछे वाला उतार दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा तो ये है कि आज 180 से कम होता, जैसे कॉस इनवर्स कॉस 150, ये 180 से कम है, और कॉस बोलता है कि मेरा पीछे 180 तक होना चाहिए, 180 से कम, ज्यादा नहीं। तो अगर 180 से कम है 150, तो आप डायरेक्ट आंसर दो 150। लेकिन अगर 180 से बाहर होगा तो आपको ट्रिक से ही तोड़ना पड़ेगा, और एक है ना 390 को ट्रिक से जब तोड़ोगे ना यार, तो वो अपने आप 180 के अंदर आ जाएगा, 180 के अंदर आ जाएगा, और जैसे अंदर आएगा वैसे फिर पीछे वाला उतार देंगे। लेकिन अभी नहीं उतरेगा, क्यों क्यों 180 तक रखता है, 180 से बाहर है। तब अब क्या ट्रिक क्यों यूज किया जाता है, ट्रिक इसलिए यूज किया जाता है कि जब ट्रिक लगाओगे तो 390 को ऐसा तोड़ देगा आपको, ऐसा तोड़ के दे देगा कि कोस का औकात था 180, और ऐसा 390 को तोड़ेगा कि वो अपने आप 180 से अंदर आ जाएगा। और आपको पता है कि कोस 180 तक रखता है, और जैसे 180 के अंदर आ जाएगा तो वैसे ही पीछे वाला फिर हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। तो अभी हम लोग ट्रिक लगाएंगे और 390 को ऐसे तोड़ेंगे ट्रिक, और आपको पता है ट्रिक है ना कि अपने आप 180 के अंदर आ जाएगा, और जब 180 के अंदर आ जाएगा तो फिर हम लोग पीछे वाला उतार सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्यों, अभी 180 से ज़्यादा है। चलो अब अगर हम बात करें कोस का, कहानी है कि 180 तक रह सकता है, तो आपको ट्रिक बताया गया था, ट्रिक सुनना है, ट्रिक ये था कि सबसे पहले नंबर जो है उसको डिवाइड करो, तो नंबर 13/6 है, यहां 7/6 किए थे,
यहाँ आप 4/3 किए थे तो यहाँ 13/6 नंबर सिर्फ पाई को नहीं, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सिर्फ डिवाइड होता है। तो 6 × 12 आप देख लेना 2 point something आएगा। तो आपको बताया गया था यहाँ जब 7/6 किए थे तो यहाँ आया था 1 point something, तो 1 आया तो 1 pi, 1 आया तो आपको क्या लिखना है 1 pi, मतलब 1 pi, 1 pi, क्लियर है? 1 pi मतलब पाई ही हुआ। अगर आपका 2 point something है तो समझ जाना आपको 2 pi लेना पड़ेगा, 3 point होता तो 3 pi, क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? चलो पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक बताया गया था कि ये पूरा नंबर जो है 13/6 आगे वाला छोड़ देना है, तो आगे वाला कौन है 13 छोड़ देना, तो बच क्या जाएगा आपका सिर्फ पाई बाई 6। चलो क्लियर है। तीसरा ट्रिक ये था कि ऊपर में 13 है नीचे 6 है, तो ऊपर में बड़ा है, तो ऊपर में जब बड़ा होगा ऊपर में तो आपको क्या लेना है पॉजिटिव। ये आपका ट्रिक था। क्या ट्रिक हो गया? अब सुनना है क्या बताया गया था, कॉस इनवर्स कॉस है ना। चलो पहला क्या आया 2 pi, पहला क्या आया 2 pi, दूसरा ट्रिक में क्या गया पाई बाई 6, दूसरा ट्रिक से क्या मिला पाई बाई 6, और तीसरा ट्रिक में क्या मिला प्लस। तो आप ये जोड़ के देख लो वही चीज आएगा, 6 × 12 एलसीएम लोगे ना, 6 × 12 और 1 pi 13 pi, मतलब सही है, बात समझ आ रहा है? तो एक ट्रिक क्या करता है 390 को तोड़ तोड़ के छोटा कर देगा, क्लियर है? अब सुनना है बात। अब अगर हम बात करें ट्रिक को फिर एक बार समझ लें, पहला ट्रिक है कि ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर सिर्फ नंबर 13 6 डिवाइड करो, अगर 1 point something आएगा तो पॉइंट छोड़ देना, अगर 1 आया है तो 1 pi लेना, अगर 2 point something है तो पॉइंट को छोड़ देना है तो क्या सिर्फ लेना है 2 pi, 3 point होता तो सिर्फ 3 pi, पॉइंट को लेके नहीं चलना है, कंसिडर नहीं करना है। दूसरा ट्रिक था कि पूरा नंबर में आगे वाला छोड़ देना, तो आगे वाला 13 छोड़ दिया था, जैसे वहां 7 छोड़ दिया था तो यहां पे क्या बच गया 13 छोड़ दिया तो पाई बाई 6, दूसरा ट्रिक। तीसरा ट्रिक क्या था कि ऊपर 13 है नीचे 6 है, तो जब ऊपर बड़ा होगा तो ऊपर बड़ा होगा तो क्या लेते हैं पॉजिटिव, ऊपर बड़ा होगा तो क्या लेंगे पॉजिटिव, ऊपर बड़ा होगा तो क्या लेंगे पॉजिटिव। अब देख लो ट्रिक कैसे लिखे, पहला में आया 2 pi, दूसरा में आया पाई बाई 6, दोनों बैठा दिए। अब ऊपर में अगर बड़ा होता है तो क्या लेते हैं पॉजिटिव, क्लियर है? अब आ जाओ, आपको पता है दोस्त, क्या पता है कॉस इनवर्स कॉस, क्लियर है? कॉस आपको पता है कि पाई हो या 2 pi हो 3 pi हो, ये सब पाई के केसेस में नो चेंज, लेकिन अगर पाई बाई 2 होता 3 pi/2 होता 5 pi/2 होता तो जब आगे pi/2 मतलब 90 का बात होता है, पाई मतलब 180, आपको पता है 2 pi मतलब 360 है ना, इस टाइप का ए मतलब 90 270, तो ए है ना 180 और 360 इस सब पे चेंज नहीं होता है, ठीक है? और 90 270 पे चेंज होता है। और इतना नहीं पता है तो आप इतना जान लो, सीधा सीधा पाई 2 pi 3 pi, तो सीधा वाला में नो चेंज, और है ना बट्टा वाला में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ से है ना 2 pi कॉस को बताया कि ये कॉस तुम चेंज मत होना है ना, कोस चेंज तुम मत होना, तो यहाँ से कोस क्या हो गया, इसका बात सुन के बेचारा कोस था तो कोस ही रह गया है ना, कोस था तो क्या रह गया कोस ही रह गया, क्लियर है? अब इसका काम था कि इसको ऑर्डर देना, तो ये ऑर्डर दिया कि तुम चेंज मत होना, तो कोस अपना हो गया, अब ये यहाँ से निकल गया। अब आपको पता है कि थीटा के जगह हम क्या है पाई बाई 6, तो यहाँ पर पाई बाई 6 क्या हो जाएगा उतर जाएगा, क्लियर है? जैसे आप देखे होंगे कि कोस 2 pi प्लस है ना थीटा, तो आप देखते होंगे कि 2 pi पे नो चेंज, तो कॉस का कॉस, अब यहाँ थीटा क्या करते हैं उतार देते हैं, तो उसी तरह 2 pi का काम था कॉस को बताया कि तुम चेंज मत होना, अब 2 pi का बस इतना ही काम था कि चेंज होगा कि या नहीं, अब 2 pi यहाँ से क्या हो गया बाहर हो गया। अब इसका क्या काम था, इसका थीटा के जब हम पाई बाई 6 से तो उतर जाता है, तो इसका ए, अब एक लड़का बोल रहा है सर ए नहीं दिख रहा है, तो ये कहाँ से दिखेगा, ए तो अपना ऑर्डर दिया कि तुमको चेंज नहीं होना है, अगर कोस था जैसा दिख रहा है वैसे ही रहना है, ठीक है? अब यहां से ही निकल गया और इसका काम है पीछे पीछे उतर जाना, क्लियर है? अब बात रहा सर इतना तो समझ में आ गया, अब एक बात बताओ कि जब आप जोड़े हो 6 × 12 12 × 1 13 यही चीज है, चाहे ए बोलो चाहे ए बोलो, बस इसको तोड़ के ट्रिक से है ना, ट्रिक से इसी को तोड़ के लिखा गया है, लेकिन जब इसको एड करोगे तो यही 13 pi/6 ही आएगा, क्लियर है? तो आपको पता है
कि ए बात बोलो चाहे ए बात बोलो, बात बराबर है। तो 13 पाई बाय 6 का मतलब क्या है, 390 है ना। अब तुम खुद सोचो कोस के पीछे 13 पाई बाय 6 है, देख लो मतलब ए है, 13 पाई बाय 6 मतलब 390। तो कोस के पीछे अगर 390 है तो आप यहाँ देखो 390 कहाँ आया, 360 होता है पक्का, 390 तो इधर ही आएगा कहीं। अरे कौन सा घर है, फर्स्ट घर तो है ना। हम बोले आपको समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, 390 है ना, 390 आपको पता है कि 360 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 90 होता है ना, 90 फिर 90 जोड़ो, 180 फिर 90 जोड़ो, 270, 90 जोड़ते जाओ। अब एक बात बताओ, अब कोस के पीछे 13 पाई बाय 6 मतलब 2, यही चीज है, सिर्फ क्या है कि इसको ट्रिक से तोड़ के लिखा गया है। लेकिन अगर आप जोड़ोगे 6 × 12 है ना, एलसीएम लेगा 1 है ना, एलसीएम 1 ले लो तो 6 एलसीएम आ गया, और एक कितना 6 बार पढ़ेगा तो 6 × 12 और एक 13 पाई बाई 6 मतलब इधर से 12 पाया जाएगा, 6 × 12 पाई और इधर 6 का है 6 मतलब पाई 13 पाई बाई 6। तो बोलो ना यार कोस के पीछे 13 पाई बाई 6 है मतलब वही चीज है, सिर्फ तोड़ के लिखा गया है। तो 13 पाई बाई 6 को क्या बोलते हैं, 390। अब बताओ कोस के पीछे 390, ये 390 है, जोड़ के देखेगा 13 पाई बाई 6 है और 13 पाई बाई 6 को क्या बोलते हैं, 390। तो तीनों सेम है, तो कोस के पीछे 390 है ना, 390। अब तुमको पता है कि 90 जोड़ो 80, 180 फिर 90 जोड़ो 270, 300। तो यार 390 कहाँ हो सकता है, फर्स्ट घर। और फर्स्ट घर में साइन का भी घर होता है, कोस का भी घर होता है, टेन का भी घर होता है, कोट का भी होता है, सेक का भी होता है, कोसेक का भी होता है। तो बताओ क्या कोस का घर 390 है या नहीं है। सर तो फर्स्ट घर सबका होता है तो कोस का भी घर है। तो यार कोस जो 390 जो ढो रहा है, अब एक बच्चा को यहाँ दिक्कत हो रहा है यार 390 इसको जोड़ेगा ना 13 पाई बाय 6 आएगा और 13 पाई बाय 6 को ही 390 बोलते। तो कोस के पीछे यहाँ कितना है मान लो 390 है। अब 390 कोस के पीछे 390 तो कोस कितना ढो रहा है 390, और कोस जब 390 ढो रहा है तो है ना 390 कौन सा घर आ रहा है, फर्स्ट घर। और फर्स्ट घर में कोस का ही घर होता है जबकि साइन का भी घर होता है टेन। तो 390 कोई भी ढो सकता है क्योंकि 390 सबका घर है। तो मेरा कहने का मतलब है 390 अगर फर्स्ट घर है तो फर्स्ट घर में कोस का घर होता है। तो कोस जो है अपने ही आदमी को ढो रहा है, 390 कौन सा घर है, फर्स्ट घर। और फर्स्ट घर में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो कोस जो है 390 जो आ रहा है फर्स्ट घर में, उस घर में कोस भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो 390 फर्स्ट घर हुआ, और फर्स्ट घर में अगर है तो एक कोस वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव। या तो उसको अलग ढंग से बोले कि कोस के पीछे 390 है ना, 390 है तो कोस जो अपना ढो रहा है, 390 ढो रहा है, कोस के पीछे कितना है 390। तो कोस 390 जो ढो रहा है वो फर्स्ट घर है, और फर्स्ट घर में कोस का ही घर होता है। तो इसलिए अपना ही घर का आदमी को ढो रहा है तो है ना तो आगे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ नेगेटिव होता तो फर्क पड़ता है। तो इसीलिए कोस जो है 390 ढो रहा है, ये 390 यही चीज है, इसी को जब ये जोड़ेगा तो 13 पाई बाय 6 आएगा। तो 13 पाई बाय 6 390, तो ए बोलो या 390 बोलो, तीनों सेम चीज है ना। तो कोस के पीछे 390, और 390 कौन है, फर्स्ट घर है, और फर्स्ट घर है ना कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो कोस के ही घर में 390 आ रहा है, मतलब कोस के ही घर में 390 आ रहा है, मतलब 390 किसका घर का आदमी है, कोस का। तो कोस अपना घर का आदमी को अगर ढो भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ दूसरा घर का ढोता तब आदमी नेगेटिव सोचता। तो इसीलिए अपना घर है, 390 कौन सा घर आ रहा है, फर्स्ट घर, और फर्स्ट घर में कोस भी ढो सकता है, साइन भी ढो सकता है। तो ये 390 जो फर्स्ट घर है, और फर्स्ट घर में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो कोस जो 390 ढो रहा है वो अपना घर का आदमी है, और अपना घर को ढोएगा तो आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा घर का ढोता तो यहाँ नेगेटिव हो जाता, तो इसलिए अपना घर है इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा, बस हो गया, एक बात बताओ, पाई बाई 6 180 बटे 6 मतलब 30 डिग्री, मतलब आपको समझ में आ गया कि ए क्या आ गया, 30 डिग्री। अब तू खुद सोच ए मेरा क्या आ गया, 30 डिग्री। अब बता दो
कोस बोला था कि मेरा पीछे 180 तक होना चाहिए, मेरा पीछे 180 तक बैठना चाहिए, लेकिन शुरू में 180 से ज़्यादा था, 180 से ज़्यादा था, 390 था, इसीलिए ए वाला नहीं उतरा। लेकिन अब देख लो 390 को ऐसे तोड़ें कि कहाँ बन गया 30 डिग्री। तो कोस इनवर्स बोलता है कि अगर मेरा पीछे 180 तक होना चाहिए, और जबकि 180 से कम है ना, 180 तक होना चाहिए, 180 से कम या 180 तक, तो देख लो 30 डिग्री क्या हो गया, 180 तक है ना, 180 से कम है, मतलब कोस का है ना बात मान लिया। तो 390 ऐसे तोड़े है ना, ऐसे तोड़े कि 180 के अंडर आ गया, कोस जैसा चाहता है वही आ गया, कोस चाहता है कि मेरा पीछे 180 से कम बैठे, और सच में 30 डिग्री 180 से क्या होता है, कम। तो आपको बोला गया था कि ये कैंसल हो जाएगा और ये पीछे तब उतरेगा जब कोस के पीछे 180 से कम होगा, और जो कि 30 डिग्री 180 से कम आ गया, इसलिए आप पीछे उतार सकते हैं, कैंसल हो गया और ये आपका आंसर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि यही कोस था, देखना है, यही कोस था 390 जो आज नहीं उतरा, लेकिन यही कोस है जो कितना आ गया 30 डिग्री, जो कि आज क्या हो गया 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री उतर गया, मतलब 5/6 उतर गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोस बोलता है मेरा पीछे 180 तक होना चाहिए, जो कि इससे है ना औकात से बाहर था, इसलिए नहीं उतरा। लेकिन जब 390 को ट्रिक के अनुसार जब तोड़े, तो यही 390 क्या बन गया 30 डिग्री, अब 180 के अंडर आ गया। तो जब 180 के अंडर आ जाए तो कोस बोलता है कि आप उतार सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया, हाँ एक बार रिवीजन ध्यान से सुनना है ना, कि 2π पे नो चेंज, पाई मतलब आया मतलब नो चेंज, पाई कटन पाई, 2π, 3π मतलब सीधा सीधा पाई है ना, पाई बाई 2 वाला में चेंज हो जाता है। तो कोस का कोस रह गया, आपको पता है थीटा उतर गया है ना, नो चेंज उतर जाना, नो चेंज उतर जाना, नो चेंज उतर जाना, नो चेंज उतर जाना, यहाँ तक दिक्कत है क्या, नहीं। चलो लड़का लोग समझ गया कि सर इस पे चेंज नहीं होगा, कोस का कोस होगा, रे उतर जाता है सर, थीटा ये तो उतर जाता है, इसका काम है चेंज होगा कि नहीं। दो काम हो गए, एक काम लास्ट, कोस के पीछे ए मत देखो, ए 390 ही है, अगर जोड़ोगे 13π/6 आएगा, 13π/6 को डिग्री में 390 बोल दे, तो कोस के पीछे 390, अब याद कर 390 फर्स्ट ग्रह आया था, क्योंकि 360 यहाँ होता है तो 360 से ज़्यादा होगा। अब 390 है ना, 390 किसका घर है, कोस यहाँ होता है, कोस का भी घर होता है, सबका घर होता है, तो 390 है ना कोस का घर में आया, तो कोस क्या कर रहा है अपना पीछे 390 ढो रहा है, तो अपना ही घर का है, तो अपना घर का ढोएगा तो आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको समझ में आ गया, अब क्या हो गया, कोस बोलता है कि मेरा पीछे 180 तक होना चाहिए, तो 390 था, इसलिए डायरेक्ट आप आंसर है ना ऐसा 13π/6 नहीं उतारे, लेकिन ट्रिक से 390 को ऐसे ब्रेक किए कि 390 अब क्या बन गया 30 डिग्री। तो बोलता है कोस मेरा पीछे जैसे 180 से कम आएगा तो आप उतार दें, क्लियर है। तो आप तीन एग्जांपल देखें है ना, और बहुत कुछ समझ में आ गया है ना, और यही चीज अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लेना अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक बहुत इजी समझ में आ जाएगा, जो टफ था वो आपको एग्जांपल के थ्रू करवाया जा रहा है ना। अभी हम एक्सरसाइज पे नहीं आए, हम एग्जांपल से प्रॉपर्टी 2 जो इंपॉर्टेंट था उसको हम एग्जांपल दे दे के क्लियर करवा रहे हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे तो एक का क्वेश्चन वहां करेंगे, और जब वहां करेंगे तो अगर आप एग्जांपल के थ्रू है ना सीखे रहेंगे, तो यही क्वेश्चन जब वहां करेंगे तो आपको और जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज पे नहीं आए, प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, उसका एग्जांपल करवाया जा रहा है। तो आपको है ना आज का एग्जांपल था कि जब ऊपर में बड़ा होगा तो पॉजिटिव लिखते हैं, कल का एग्जांपल ऐसा रहेगा जब ऊपर में छोटा रहेगा नीचे बड़ा रहेगा तब ऐसा एग्जांपल, और तीन बचा हुआ है। तो आज हम लोग कैसा एग्जांपल कर रहे थे, ऊपर में बड़ा है ना, और ए अगर आप सीख गए है ना, मेरे को उम्मीद है आप सीख गए होंगे, तो याद रखना मेरे पे भरोसा करो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में अब कोई जान नहीं है। तो आज का एग्जांपल था ऊपर में बड़ा, और कल जो तीन एग्जांपल बचा है ऊपर में छोटा, तो आज बड़ा का चल रहा था है ना, ऊपर में बड़ा चल रहा था, और कल का जो एग्जांपल रहेगा वो ऊपर में छोटा चलेगा। लेकिन आप अगर सीख गए तो कल वाला भी आपसे बन जाएगा। तो आप नोट कर लें, फिर हम लोग मिलते हैं।